हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने इसके बारे में बात किया था, बहुत से लोगों ने कहा था कि व्हाई डोंट यू गेट इंडियन फुल मेटल राइफल्स। बहुत से लोगों को ऐसे गन्स की रिक्वायरमेंट थी, बहुत से लोग ऐसे गन्स की डिमांड कर रहे थे, बहुत से लोग जो हैं शूटिंग को एज एन यू नो हॉबी बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग एज एन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो गाइस, आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए यू नीड टू पार्टिसिपेट इन 0.177 बेसिक होता है और 10 मीटर के शूटिंग रेंज पे होता है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो बेस्ट एडवाइस इज टू स्टार्ट विद अ बेसिक गन। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 लाख रुपए की कंपटीशन की राइफल लेके आ जाइए, उससे प्रैक्टिस करिए, मेक्स नो सेंस। तो आपको बेसिक पहले स्टार्ट करना होगा। बेसिक के लिए आपको बेसिक गन चाहिए तो 10-12 हज़ार रुपये तक आ जाए, मैक्सिमम लोगों का बजट होता है। तो वी हैव गॉट यू अ गन, दिस इज अ फुल मेटल गन, ये पूरा मेटल का है और वुड का है। तो उसके नीचे जो आप देख रहे हैं स्टॉक, वो लकड़ का है और ये जो है लोहे का है और ये बहुत ही सॉलिड है। व्हेन आई से सॉलिड दैट मींस इट इज सॉलिड, ये ऐसा नहीं है कि यू नो लो क्वालिटी का है, बहुत ही भारी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर 0.177 के पैलेट लगते हैं, ये है 0.177 का पैलेट। एज यू गाइस नो, आपने पहले भी देखा होगा कि ये यू नो ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि स्ट्राइक पे ये चिपटा हो जाता है, किसी को हर्ट नहीं करता है। ये इस तरह से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे दबा रहा हूँ तो ये चिपटा हो रहा है, और क्योंकि इससे किसी को डैमेज ना हो, है ना। और इससे बेसिकली टारगेट के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, टारगेट पे आप फायरिंग कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा हो तो आपने देखा हो कि इससे हम कोक वगैरह में भी छेद कर देते हैं, बट ये इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद ये है शूटिंग में इस्तेमाल करने के लिए। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता दूंगा, इससे पहले कि आप लोग चाहें, अगर आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं शूटिंग वीडियो बनाऊं, तो विल मेक श्योर अ शूटिंग वीडियो एज वेल। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, इफ़ यू वांट तो हम इसको बाहर ले जा करके इसका शूटिंग वीडियो भी बनाएंगे, जैसे कि हमने बैटमैन वगैरह गन्स का बनाया था। तो इसका पहले मैं बेसिक बताता हूँ, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है इस गन की। ये जो राइफल है गाइस, ये राइफल की लंबाई आप देख सकते हैं, इट इज़ 170 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लंबाई जो है 170 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज़ वेरी नाइस। आप देख सकते हैं पूरा फुल साइज़ का है। और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो इसका वेट कितना है, तो मैं आपको गाइस दिखा रहा हूँ इसका वेट कितना है। इसका वेट जो है दैट इज़ 356 के जंप कर रहा है, तो आप लगा के चलिए मोटा मोटा ये 360 ग्राम का है, मतलब 360 ग्राम, मतलब 3 किलो 360 ग्राम, दैट इज़ अ वेरी गुड वेट। मतलब इतना वेट जो है कोई भी प्लास्टिक के राइफल में नहीं आता है, दिस इज़ रियली सॉलिड गन। अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत ही परफेक्ट गन है, बहुत ही अच्छा गन है। और इस क्वालिटी का गन आपने मेला वगैरह में भी नहीं चलाया हो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं दिखाता हूँ ये दोनों साइड से दिखता कैसे है। तो आप देख सकते हैं, पहले हम इसके बट के बारे में बात करते हैं। इसका बट जो है ये वुडन का है, पीछे जो है थोड़ा सा इन्होंने रबड़ का काम किया हुआ है, एंड आई डोंट नो ये रबड़ किस क्वालिटी का है, ये लकड़ का है, फील्स मोर ऑफ अ यू नो लकड़ ऐसा, बट ये जो है डेफिनेटली रबड़ का बनाया गया है। इसके ऊपर ग्रूव्स डाल करके इसको लगा दिया गया है, बट वन ऑफ द बेस्ट वर्क नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है। अच्छे क्वालिटी का होता बट देन प्राइस आपका पता है, यू नो बहुत महंगा चला जाता है, तो इन्होंने बेसिक काम किया है। देन ये काफ़ी अच्छा स्लिंग के लिए उन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया है, एंड देन ये फिर बेसिक जो है बेल्ट लगाया है, बट बढ़िया। अब बात करते हैं इसके साइट का। ये जो गाइस आप देखते हैं, इसमें मार्क इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मार्क टू, या मार्क टू गन है गाइस। आप यहां देख सकते हैं ये साइट है, साइट ये घूमता नहीं है। अगर मैं हाथ से इस्तेमाल करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निशान लगाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, कट बनाया गया है, ये मूव नहीं करता है, दैट मीन्स जीरो किया होगा पहले से, नहीं तो मे बी आप इसे प्लास से कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने इसे कभी किया नहीं है। आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग इट, आप इसे ना छेड़ें, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपर्ट होते नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको घुमाने का सर डायल दिया गया है, कुछ गन्स में एक्चुअली घूमता है बट इसमें नहीं घूम रहा है, इस मोर ऑफ अ शो पीस मेरे हिसाब से, बट यू नेवर नो, ये शायद ऊपर नीचे हो जाए अगर आप इसे प्लास से करें तो। इस पर बेसिकली बनाया तो गया है, अनलेस इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल डोंट डू इट। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं साइट की, साइट पे बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर निशान लगाने के लिए काफ़ी बढ़िया लुक दिया हुआ है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसे मूवेबल बनाया गया है, आप
अगर आप सीरियस शूटिंग के लिए अगर आपको जीरो करना आता है तो आप इसको यहाँ से खोलें और अपने हिसाब से साइट को एडजस्ट कर लें। कई लोगों का अपने हिसाब से साइट एडजस्ट कर लेते हैं, इससे क्या होता है निशान लगाने में बहुत आसानी होती है। इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल जो गाइस प्राइस के मुकाबले ये बहुत अच्छा है, यू नो जितने का ही ये आप यू नो इंटरनेशनल क्वालिटी डायना वगैरह तो ये नहीं है, बट येस इट इज़ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। जितना पैसे हम प्लास्टिक वाले गन में खरीदते हैं उसके जगह पे यू नो ये बहुत ही अच्छा यू नो रेट है, अच्छे पे है। सबसे अच्छी बात ये 0.177 है, 0.22 नहीं है, तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यू नो। और ये स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत से लोकल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके कॉम्पिटिशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल में तो आपको पता है बहुत से इंपोर्टेड गन्स ही आते हैं उसमें, इससे तो आप जीत ही नहीं सकते। बट यस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे को शूटिंग गेम में डालना है, बेसिक करवानी है, घर पर प्रैक्टिस करना है, ये बेस्ट है, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है। अगर आपको ऑर्डर करना है गाइस तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, प्लेस एन ऑर्डर और ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। यू नो बी एक्सेप्ट द पेमेंट बाय एवरीथिंग, हम पेटीएम से पेमेंट लेते हैं, बैंक ट्रांसफर से लेते हैं और बाकी सारे यू नो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी लेते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और बताइएगा आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। विल मेक श्योर विल मेक अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन, स्टे सेफ एंड कीप स्टे शूटिंग। थैंक यू सो मच।